पिछले एपिसोड में आपने देखा आर्यन ने अपना पहला बड़ा सबक सीखा जब देवो ने उसे बताया कि जहां एक तरफ उसकी इच्छा शक्ति ही उसकी ताकत है, वहीं दूसरी ओर उसमें और भी संभावनाएं छिपी हैं, जिन्हें महसूस करने के लिए आर्यन को खुद को शांत करना सीखना होगा। इस सबक का आर्यन इस्तेमाल करता है। लौ पुत्र को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। यही तो प्लान है। पहले मैं उसे भड़काऊंगा, फिर उसे गुस्सा आएगा और वही गुस्सा उसके विनाश का कारण बनेगा। अब आगे मेरे हाथ तुम्हारे हाथ दिए गए थे। खास काम के लिए भूल गए तुम? वही तो कर रहा था मैं। नहीं, तुम रक्षक की जान लेने वाले थे। तुम्हें पता है ना, रक्षक मर गया तो मणि भी नहीं मिलेगी। दैत्यनाथ त्रिलोकी को वो मणि चाहिए। मणि इस्तेमाल भी तुम सब भूल चुके हो। कैसे सेनापति हो तुम? रक्षक को बंदी बनाओ। सेना पूरी हुई ही कहां है काल? सेना तो अभी बननी बाकी है, अभी तो लौह बनना शुरू हुआ है। पिघलेगा, फिर बनेंगे मेरे योद्धा, मेरे लौह पुरुष, मेरे लौह सेना। निकल पड़ेगी लौह सेना पुकार के, लहू लुहान कर देंगे वो धरती पर लौहवार से। यानी के जो तुम चाहते हो वो हो रहा है। रक्षक के साथ क्या होना है, इसमें चूक कैसे हो गई? हाथ क्या मिल गए, उसकी ताकत तुम्हारे सर चढ़ गई, या फिर वही तुम्हारी पुरानी आदत, गुस्सा तुम्हारे सर चढ़ गया है? जानते हो नरक नरसिम्हा ने क्या कहा? और हाँ, एक जरूरी बात भी उसे बता दें कि वो मणि उससे छीना नहीं जा सकता। अगर वो खुद अपनी मर्जी से वो मणि हमें दे, तभी वो मणि हमें मिल सकती है। समझे लौ पुत्र? समझ गया।
अरे जनाब, क्या कर रहे हो? बरखोरदार, हाथ टूट जाएंगे। कौन है यहाँ? अरे बरखोरदार, खुद लोहे के पिंजरे में कैद हो, हम लकड़ी के पिंजरे वालों पर भी नजरें करम करो। इधर आओ मियाँ, इधर। अरे मियाँ इधर आओ ना, इधर। अरे लकड़ी के पिंजरे से देख रहे हैं तुम्हें? हाँ, सही देख रहे हो। जरा करीब आकर दरवाजा भी खोल दो। मियाँ खोलो ना। अरे मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, मैं काफी सालों से इधर बंद हूँ, मैं आपका जिंदगी पर एहसान नहीं बोलूंगा, मुझे यहाँ से निकालो ना। अरे आओ, हाँ खोलो ना। खोलो बरखोरदार। अरे मियाँ खोलो ना। जनाब, इस बंदे को जंग जरिया कहते हैं। मिया, आपकी तारीफ। मैं आर्यन, और मैं रक्षक हूँ। मिया, ये तो हमें पहले ही पता चल गया था। लो पुत्र, अरे गहरे और नतु गहरों को यहाँ क्यों रखेगा? पर मिया, एक बात समझ में नहीं आई, उस राक्षस के वो दोनों हाथ कैसे आ गए? अब तो भाई कहर ढाएगा वो, यहाँ भी और वहाँ भी। वहाँ भी मतलब? अरे मिया, तुम्हारी धरती पर। मिया तुमने बाहर तो देखा ही होगा, तुम्हारी धरती से वो जो लोहा लाया है उसे वो पिघला रहा है और उसे लौह पुरुष की सेना तैयार कर रहा है और उसे वो ऊपर भेजेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिमाग में डालो मिया, दिमाग में। तुम कौन हो और इन सब के बारे में कैसे जानते हो? अरे मिया, जंग की औलाद है हम। जंग? अरे मिया, जंग नहीं जानते? अरे लोहे का दुश्मन जंग, जहाँ लोहा होगा वहाँ जंग होगा ही होगा। तो लो मिया, ये रहे हम। पहले मिया ये देश हमारा था, यहाँ पर भरपूर लोहा हुआ करता था, भर पेट हमारा गुजारा चल रहा था। पर मिया, जब से ये लोह पुरुष आया, इससे पहले तो कब्जा शुरू किया, तो जाएंगे हमें क्यों पालता? दे मारा हमें इस जेल में, ताकि हमारे लोग उसका विरोध ना कर सके। समझ रहे हो मिया? समझ गया, सब समझ में आ गया। अब देखो, तुम यहाँ बहुत टाइम से बंद हो ना? हाँ। तुम्हें भूख तो लगी होगी, इस पिंजरे में से सिर्फ तुम मुझे निकाल सकते हो। तुम लोहा खाते हो ना? हाँ। तो क्यों ना फिर इस ताले से शुरुआत की जाए। देखो प्लीज, मैं एक रक्षक हूँ और मुझे अपनी धरती को बचाना है, सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। प्लीज तुमने 16 आने ठीक कही है, पर मैं छोटी सी जान और तुमने दे दिया हमें इतना बड़ा काम। मिया समय लगेगा, पहले ही बता देते। क्या हुआ? पूछ रहे हो क्या हुआ? ये पूछो मिया, क्या नहीं हुआ? पूरे के पूरे ताले पे तेल लगा है और हर तेल हमारे लिए बहुत जानलेवा है।
पहले बता देते हैं, उस गेट का सारा तेल पोछो पहले, तभी हम दोबारा कुछ कर पाएंगे भला। जाओ मियाँ, यहाँ क्यों खड़े हो? करता हूँ, एक मिनट। अरे जाओ। हो गया। अब मियाँ तुम हट जाओ, अब देखो तुम हमारा काम। थैंक यू आंटी। वैसे आर्यन को फोन किया? आंटी कॉल कर रही हूँ पर लग ही नहीं रहा, पता नहीं वो अपनी स्कूटी लेकर कहाँ चला गया। मम्मी ये जो तूफान है ये अजीब तूफान है ना, नॉर्मल तूफान में तो पेड़ उखड़ते हैं, पर इस तूफान में टॉवर गिरता है और कार उड़ते हैं। आंटी पता नहीं आर्यन कहाँ है, मैं देख के आती हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? तू यहीं बैठ मानसवी, कहीं नहीं जाएगी। गया होगा कहीं आर्यन, आ जाएगा। दीदी एक बार रिया को फोन करके पूछ लो, भैया उसी के साथ हो सकते हैं ना, उसे लिफ्ट देने के चक्कर में क्यों हो सकता है ना। तीन कार्स गई अपने एरिया से। थैंक गॉड कम से कम लाइट तो आ गई। से धरती तक ये सुरंग खुली रहेगी तब तक मेरी शक्ति से धरती का सारा लोहा यहाँ आता रहेगा और मेरे लौह पुरुष तैयार होते रहेंगे। बहुत ही जल्द त्रिलोकी का राज होगा। महाबलशाली की जय हो, महाबलशाली की जय हो। मेरे लौह पुरुष, मेरी सेना। उसके लौह सेना तैयार होने लगी, जल्दी करो जंगा। अरे मियाँ कर रहा हूँ। जंगा जल्दी करो। अरे मियाँ हम तो अपना काम कर लेंगे, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस पिंजरे से बाहर निकल के तुम करोगे क्या? मेरा एक ही लक्ष्य है, लौह पुत्र की मौत। पुत्र की मौत। संग, हाँ? तुमने कहा था कि तुम्हारे कुछ लोग बाहर शहर में रहते। हाँ मियाँ, खुद की तारीफ हम कैसे करें? और मियाँ अपनी शान में क्या बोले, सेना तो है हमारे पास। तुम्हारी भी सेना है? वाह।
जाओ जाकर धरती पर खेलो कूदो, विनाश फैला दो, इतना विनाश फैलाओ कि रक्षा खुद मनी लेकर यहाँ आ जाए। महाबलशाली की जय हो। ये लोग तो जा रहे हैं। संगा, अगर मैं तुम्हें लोहपुत्र से बचाकर तुम्हारी सेना तक पहुंचा दूं, तो क्या तुम और तुम्हारी सेना मेरी हेल्प करोगे लोहपुत्र से लड़ने में? पागल हो गए मिया? हमें जिस किले पर कैद करके रखा है उसके चारों तरफ तेल ही तेल है मिया। हम चाहकर भी उसे पार नहीं कर पाएंगे मिया, सोच लियो। देखो संगा, नामुमकिन कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें ऐसे लेकर जाऊंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन उसके बदले में तुम्हें, अरे मिया अब तो तुम जान भी मांगोगे ना, बरखुरदार हम देने को तैयार है, वक्त आने पे दिखा देंगे तुम्हें। जाओ मिया, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। अरे मिया हमने तो कर लिया अपना काम, अब मारो लात। अरे मिया हमारे दिमाग में तो जंग लगी है, हमने तो ये भी नहीं सोचा कि गेट गिरने के बाद आवाज भी होगी। कोई बात नहीं, मेरी गलती है, वो थोड़ा एक्साइटमेंट में आके रास्ते वालों निकल पड़े, भागो ऐसे। शक शक ने ये दरवाजा कैसे तोड़ा? हाँ मिया, इसी सुरंग से यहाँ का कचरा शहर के बाहर जाता है मिया, और जहाँ ये सुरंग खत्म होती है उसके ठीक बाहर तेल की नदी बहती है।
और उसी झील की नदी के बाहर हम संगालियों का एक टापू है मियां। आ रही है बात समझने? तो इसका मतलब पहले इस पंखे को आपको दांत देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। ओ यार, वो टापू देख रहे हो? हो रही हमारी छोटी सी दुनिया और हमारा देश। पाताल गंगा जिसके बारे में मैं आपको बता दिया था। हाँ जंगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हें याद है मैं तुमसे प्रॉमिस किया था? कि मैं तुम्हें उस पार ले जाकर रहूंगा। अभी तक तुम इच्छा शक्तियों का इस्तेमाल करते आए हो आर्यन, लेकिन जब तुम ध्यान शक्ति का इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो तुम ऐसी शक्तियों का अनुभव करोगे जो तुम्हें अभी अद्भुत दिखता है।
ध्यान लगाना सीखो आर्यन, अपनी सारी भावनाओं को एकत्रित करके उन्हें संजोना सीखो। हम उतने ही हल्के होते हैं जितना कि हमारा मन। इंसान चाहे तो पानी पर भी चल सकता है। ध्यान साधना करनी पड़ती है, अपने मन को केंद्रित करना पड़ता है, उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाना पड़ता है। रक्षक भैया, सोचा आपने? घबराओ मत जंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना भरोसा करते हो ना मुझ पर? इतना भरोसा रक्षक भाई जितना आज तक मैंने अपने आप पर नहीं किया। तो बस फिर अपना हाथ दो। धन्यवाद मेरा नहीं, रक्षक मियाँ का करो। इन्हीं की वजह से मैं रिया होके आया हूँ आप लोगों के पास। और दूसरी बात, अब हम सबको मिलकर ना रक्षक मियाँ की मदद करनी है। आ रही है बात समझ में? आप जो भी बोलो जंगल भाई, बस हम एक बार उस पार पहुँचा दो। मियाँ एक बार हमें लौ पुत्र के शहर में ले चलो। नष्ट नाबूद कर देंगे, जंग का ढेर बना देंगे। मियाँ सही कह रहे हैं ये लोग, वहाँ से यहाँ तक तो तुम मुझे ले आए, लेकिन ये सब लोग वहाँ कैसे जाएंगे? कुछ तो करना पड़ेगा आपको, तभी हम सब आपकी मदद कर सकते हैं मियाँ। सही बात है ना भाइयों? अभी बताता हूं। मान गए आपको, दांत देनी पड़ेगी मियाँ। वाह,
जगह रख सकती है आपको। रक्षक, तू अपनी मौत लौह पुत्र के सामने फिर से वापस आ गया। तू लौह पुत्र नहीं, ढा पुत्र है, ढा है तू। तभी तो तेरे दुनिया में आना जाना इतना आसान है। जाएगा तू बच के। बस रक्षक भैया, आप हम सबको बस ये बता देना हमें कब चढ़ाई करनी है। हम लोग छिपे रहना और मौका पाता ही फैल जाना, ये बात अपनी सेना को भी समझा दो। इतनी देर मैं लोह पुत्र का ध्यान भटकाऊंगा और जैसे ही मैं लोह पुत्र पर अटैक करूंगा तुम लोग लोह पुरुषों पर अटैक कर देना। ऐसा ही होगा रक्षक भैया। बैल भाई, खड़ा खड़ा धुआं छोड़ेगा या आगे भी बढ़ेगा, या फिर ये लाल कपड़ा दिखाऊं तुझे? देख, लो पुत्र इधर।
रुक जाओ, इनका सामना करो। रुक जाओ, इनका सामना करो। क्या हुआ रक्षक मियां? जंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं इसे कैसे मारूं। मैं तो इसके हाथ भी नहीं काट पा रहा हूं। पता नहीं मेरे पुरखों ने इसको कैसे मारा था। ये बात तो हम भी नहीं जानते रक्षक मियां, पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। पर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा था कि मैं लौह पुत्र को गुस्सा दिलाऊंगा और वही गुस्सा इसके विनाश का कारण बनेगा, लेकिन ये तो हाँ तो सही है ना। आप बस एक काम करो, इसका ध्यान अपनी तरफ लगाओ। देखो फिर मैं क्या करता हूँ। जंगा ये क्या कर रहा है? कहीं हम मारा न जाए। जंगा छोड़ उसे। जंगा मेरे भाई उठ। जंगा उठ। जंगा
बलशाली हूँ, बहुत बलशाली हूँ। बुत्सा ना कोई सानी है। मैंने भी देवों से वादा किया है। उस वक्त एक रक्षक ने तेरे हाथ काटे थे और अब ये महारक्षक तुझे खत्म कर देगा। सो पुत्र, अपनी आका की मौत का बदला। चलो अपने चंगे भाई का बदला ले लेते हैं। चलो। देने को तैयार है, वक्त आने पे दिखा देंगे तुम्हें।